आज मैं आप सभी के लिए एक नई सरकारी योजना लेके आया हूँ। जल्दी ये योजना पूरे राजस्थान के अंदर लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक माह 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये योजना कौन सी है, किस प्रकार से आपको 2000 रुपये मिलेंगे, कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझ लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, जिससे कि इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी आप सभी के लिए लेके आ सकूँ और उन वीडियो को देख के आप भी सरकारी योजना का लाभ ले सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जो कि राजस्थान के अंदर लागू होने वाली है। इस योजना के तहत 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये जो 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, तो इस योजना में जो लोग आवेदन कर सकते हैं उसके अंदर शामिल हैं, एक तो मजदूर कैटेगरी के लोग, एक है स्ट्रीट वेंडर और एक है लोक कलाकार। तो ये सभी लोग इस योजना में आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। इस योजना में जब भी ये लोग आवेदन कर रहे हैं तो इनकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 से 45 वर्ष के बीच में इनकी आयु नहीं है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। अब जब आप इस योजना में आवेदन करेंगे तो उसके बाद प्रत्येक माह आपको एक अंशदान जमा करवाना होगा। ये अंशदान आपकी एज पे निर्भर करता है कि कितना अंशदान आप जमा करवाएंगे। तो जब इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी होंगी तब पता लग सकेगा कितनी एज वाले को कितना अंशदान जमा कराना है। फिलहाल के लिए जो बताया गया है कि 60 रुपये से लगा के 100 रुपये तक अंशदान आपको प्रति माह चुकाना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा आपका अंशदान 400 रुपये अलग से जमा किया जाएगा। तो इस योजना के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो जब आप इस योजना में पंजीयन कर लेंगे, आप अंशदान प्रत्येक माह जमा करवाते रहेंगे और आपका अंशदान राज्य सरकार भी जमा करवाती रहेगी। उसके बाद जैसे ही आपकी एज 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो आपके बैंक खाते में 2000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन आने लग जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये 2000 रुपये पेंशन आएगी तो ये तो हमें डायरेक्टली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी मिल जाएगी। तो इसके अंदर एक ये भी कहा गया है कि ये जो पेंशन दी जाएगी ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त दी जाएगी। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो तो आएगी ही आएगी, इसके साथ ये 2000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा राजस्थान के अंदर की गई है। तो जैसे ही इस योजना की पूरी गाइडलाइन जारी होगी, इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, तो मैं वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दे दूंगा। अगर आपके मन में सवाल है कि इस योजना की घोषणा कहाँ पे की गई है, तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे विधानसभा के अंदर जब आज वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जा रहा था तो उसी बजट भाषण में इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है और वहीं से ये जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अगर और अधिक जानना है तो आपको यहाँ पे जो वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा के अंदर जो बजट का भाषण दिया गया है, बजट की जानकारी दी गई है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। जल्दी मैं आप सभी के लिए जो और नई घोषणाएं बजट के अंदर की गई हैं उसकी जानकारी भी आप सभी को देने वाला हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।